हाय, मैं हूँ अमृता और मैं हाजिर हूँ एक एडवेंचर मूवी लेके, कॉन्ग, जो 2017 में रिलीज हुई थी। उस मूवी में हम सबके फेवरेट टॉम हिडलसन हैं, उसके अलावा सैमुअल एल जैक्सन, ब्री लार्सन ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं। कहानी है जहाँ कुछ लोग ऐसे छुपे हुए रहस्यमय आइलैंड में जाते हैं जहाँ उन्हें प्राचीन जानवरों की तलाश थी। ऐसे जानवर जो पिछले हजारों सालों से जिंदा है, जब से ये धरती बनी है तब से, लेकिन इन लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि उस आइलैंड पे क्या खतरा है। सो कहानी शुरू होती है 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। दुश्मनों के दो जहाज रहस्यमय आइलैंड पे गिरते हैं। वहाँ पे गिरने के बावजूद ही दोनों भी सोल्जर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते डीप जंगल में चले जाते हैं। और मैरलो उस दूसरे सोल्जर को मारने ही वाला था, तब भी हम बहुत बड़े कॉन्ग को देखते हैं। ऑलमोस्ट 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा ये जानवर। ये देख के दोनों भी काफी डर जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता और ये शॉट इधर ही कट हो जाता है। अब कहानी बढ़ती है 30 साल के बाद 1973 में, जहाँ पे हम जियोलॉजिस्ट की एक टीम देखते हैं, बिल रैंडा और हडसन। ये दोनों भी US सेनेटर के ऑफिस में जाते हैं। बिल को दरअसल गवर्नमेंट की फंडिंग चाहिए थी उसके नए ऑपरेशन के लिए, जहाँ पे उसने रिसेंटली स्कल आइलैंड नाम की जगह की खोज की थी। दोस्तों, ये वही आइलैंड है जहाँ पे ये दो सोल्जर क्रैश हुए थे। उसका मानना था ये आइलैंड बहुत बड़ा है और आइलैंड पे एंशियंट क्रीचर होने की आशंका है और हमें उनकी खोज करनी चाहिए। लेकिन US सेनेटर ये प्लान सुनते ही फंडिंग देने से इनकार करते हैं, तो बिल काफी उनके पीछे पड़ने लगता है। ये भी कहता है कि रशिया भी इस आइलैंड के पीछे है, हमें वहाँ जाके उस आइलैंड को क्लेम करना चाहिए। अब ये सुनते ही सेनेटर बिल को इस ऑपरेशन के लिए अप्रूवल देते हैं। बिल को इसके लिए मिलिट्री ऑफिशियल्स और काफी लोगों की जरूरत थी। बिल अपनी टीम बनाने लगता है। उसके टीम में वो खुद एज इंचार्ज था, उसके अलावा मेजर पैकर और उनके खास सोल्जर्स थे। जियोलॉजिस्ट के टीम में हडसन और लीन थे। इसके अलावा इनके साथ गाइड यानी जेम्स था और उन्हें एक फोटोग्राफर की जरूरत थी, इसीलिए मेसन नाम की लड़की थी। ऐसे 10 से 15 लोग होते हैं। इन्हें ब्रीफिंग दी जाती है कि ये प्रोग्राम क्या है, वो क्या खोज करना चाहते हैं और हर एक इंसान का क्या काम है। आइलैंड का मैप भी बिल ने बनाया हुआ था और ये लोग प्लान बनाते हैं कि इनकेस अगर कुछ हो जाता है और लोग गुम हो जाते हैं तो एक लोकेशन में हमें 3 दिन में मिलना रहेगा। इसके अलावा आइलैंड तक पहुंचने के लिए ये लोग समुद्र के एक लोकेशन पे पहुंचने वाले थे एंड वहां से चॉपर लेने वाले थे। अगले दिन ये लोग निकल तो पड़ते हैं, लेकिन समुद्र के उस लोकेशन पे जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा अलर्ट मिलते हैं, क्योंकि आइलैंड तक जाने का जो चॉपर का रास्ता था वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान था। किसी हरिकेन से तूफान कम नहीं था, वहाँ पे चॉपर उड़ना पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन फिर भी बिल और उसके लोग 6 से 7 चॉपर लेके निकल पड़ते हैं। जैसे उस तूफान के अंदर जाता है, इनके चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, काफी दिक्कतें इन्हें आने लगती है। लेकिन कैसे तैसे तूफान को क्रॉस करके ये लोग इस खूबसूरत आइलैंड के आसपास आ जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट हडसन की एक थ्योरी थी, धरती के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है और उसी स्पेस में ये सारे जो बड़े बड़े क्रीचर्स हैं, एंशियंट क्रीचर, वो रहते हैं। और ये थ्योरी टेस्ट करने के लिए ये लोग जैसे ही आइलैंड के ऊपर आते हैं, नीचे अर्थक्विक बॉम्ब डालने लगते हैं। ये सारे बॉम्ब आइलैंड पे गिरते हैं और देखते ही देखते पूरे आइलैंड पे शॉक वेव जनरेट होने लगते हैं। पूरा आइलैंड डिस्टर्ब होने लगता है इन बॉम्ब्स के कारण और इनको अंदाजा भी नहीं होता अब आगे क्या होने वाला है। और देखते ही देखते दोस्तों कई सारे पेड़ इनके तरफ, चॉपर की तरफ आने लगते हैं और तभी हम इस एक जायंट किंग कॉन्ग को देखते हैं जो सीधा मिलिट्री के चॉपर पे हमला करने लगता है। ये देख पैकर के ऑर्डर्स पे ये लोग उस पे फायरिंग करने लगते हैं और कॉन्ग पूरा अनकंट्रोल हो जाता है एंड इन चॉपर को कैसे तैसे गिराने लगता है। कैसे तैसे उससे बचते हुए बाकी के चॉपर क्रैश लैंड करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सोल्जर्स के टीम का हुआ था। इनकी पूरी 20-21 लोगों की टीम अभी आधी रह गई थी। अभी पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ग्रुप में थे जेम्स, मेसन, ब्रूक्स, लीन, सिल्को और दूसरे ग्रुप में बिल और आर्मी के सारे जो लोग थे वो थे। और पैकर के ज्यादा लोग भी बचे नहीं थे, इसीलिए वो सीधा बिल को गन पॉइंट पे रखता है और पूछता है कि मुझे अभी सच सच बताओ, हम क्या तलाश करने आए हैं। तो बिल उसे सच्चाई बताता है कि ये धरती इंसानों की कभी थी ही नहीं, यहाँ पे पहले से एंशियंट क्रीचर रहते थे। वो खुद कुछ सालों पहले ऐसे एक बोट में था जो समुन्द्र में सिंक हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़े से दानव ने उस बोट को सिंक किया था। ये अकेला उस बोट में सर्वाइवर था। जब उसने वापस आके लोगों को बताना चाहा कि वहाँ उसने क्या देखा, सबने उसका मजाक उड़ाया। इसीलिए वो 30 साल तक खोज कर रहा था कि ये एंशियंट क्रीचर कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं और वो कौन है। उसे इस आइलैंड के बारे में पता चला और इसीलिए वो यहाँ उन क्रीचर्स की तलाश में आया है। उसका ये भी अनुमान था कि ये क्रीचर वापस धरती पे लौट आएंगे और इंसानों को वाइप आउट कर देंगे, इसीलिए उस
उसके पहले हमें इन क्रीचर्स को ढूंढना है, वो कंट्रोल में रखना है, और वो खुद मोनार्क नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। अब आगे पैकर को उसके खास सोल्जर यानी चैपमैन को ढूंढना था, इसीलिए आगे डीप जंगल में चले जाते हैं और एक बैम्बू के फॉरेस्ट में आते हैं, और अचानक से एक बैम्बू एक सोल्जर के सीधे मुंह के आर पार चला जाता है। ये सब लोग देखने लगते हैं कि चल क्या रहा है, और तभी समझ आता है कि ये दरअसल बैम्बू के बीच में ही एक बड़ी सी मकड़ी है, वो इन पे हमला करने लगती है, इनके कई साथी को उठाती है। ये देखते ही ये लोग उस मकड़ी के पैर काटने लगते हैं और पैकर उस बड़े से मकड़ी को मार गिराता है। यानी इस आइलैंड पे बहुत ही भयानक क्रीचर थे जो इंसानों ने आज तक देखे नहीं थे। यहाँ पे हम चैपमैन को देखते हैं जो किसी और ही लोकेशन पे था। वो बाहर आता है नदी के किनारे, तभी उसकी नजर कॉन्ग पे जाती है, और अचानक से कॉन्ग पे एक ऑक्टोपस हमला करने लगता है, और दोनों की भी वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन कॉन्ग उस ऑक्टोपस को पूरी तरीके से मारता है और उसे खाने लगता है। अब चैपमैन ये देख के बहुत ही डर जाता है। तो दूसरे ग्रुप को हम देखते हैं, जेम्स का ग्रुप, वे लोग भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से तालाब से उन्हें एक बहुत ही बड़ा बफेलो दिखाई देता है। सब लोग उसको फायर करने ही वाले थे, लेकिन वो रोकता है। पहले वो देखता है सामने का जो क्रीचर है वो शांत है या अग्रेसिव, लेकिन वो बफेलो उठ के चला जाता है, और ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। जंगल में जाने के बाद इन लोगों को आदिवासी मिलते हैं, जिसमें मैरलो नाम का एक इंग्लिश बोलने वाला इंसान भी था। दरअसल दोस्तों मैरलो वही उन दो सोल्जर्स में से एक था जो 30 साल पहले इस आइलैंड पे लॉक हुए थे। वो आदिवासियों को बताता है कि ये हार्म नहीं करेंगे। अब वे लोग आदिवासियों के साथ उनके कबीले में निकल जाते हैं। मैरलो इन लोगों को आइलैंड के बारे में बताता है कि सालों से वो और दूसरा सोल्जर इन्हीं आदिवासियों के साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उस दूसरे सोल्जर को स्कल क्रॉलर नाम के क्रीचर ने मार डाला था। स्कल क्रॉलर ये इस आइलैंड के जमीन के नीचे रहने वाले काफी भयानक क्रीचर है। ये क्रीचर सदियों से आदिवासी और कॉन्ग के एंसिस्टर्स को मार रहा है। वो क्रीचर और कॉन्ग के एंसिस्टर्स के बीच में सालों पहले काफी घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें कॉन्ग और खुद उस क्रीचर के काफी सारे एंसिस्टर्स मारे गए थे। तब से वो क्रीचर जमीन के नीचे ही रहते हैं, लेकिन अर्थक्वेक बॉम्ब के कारण ही वो अभी जग गए हैं और जल्द ही हमला करने वाले हैं। अगर कॉन्ग को कुछ भी हो गया तो पूरे आइलैंड को स्कल क्रॉलर तबाह कर देंगे, इन आदिवासियों को भी मार डालेंगे, और इसीलिए इन आदिवासियों के लिए कॉन्ग ये देवता समान है। जो होलो थ्योरी इन जियोलॉजिस्ट ने प्रूव की थी वो कहीं ना कहीं सच थी, कि इस जमीन के नीचे बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे ये सारे क्रीचर्स रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पे प्लान के अनुसार 3 दिन में इनको वो ईस्ट के लोकेशन पे पहुँचना था, और जेम्स और उसके सारे लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मॉर्लो उन्हें कहता है कि पैदल जाना पॉसिबल नहीं है, खतरे से खाली भी नहीं है। इसीलिए मैरलो उसने बनाई हुई बोट उसे दिखाता है जो फ्लोट हो सकती है पानी में, लेकिन उसकी मोटर रिपेयर करने की जरूरत थी, और ये लोग वहाँ पे मोटर रिपेयर करने के लिए लग जाते हैं। इनके चॉपर्स में काफी सारा फ्यूल भी था जिसकी मदद से ये लोग निकलने वाले थे। अब अगले दिन मेसन दूसरे साइड पे एक बड़े से बफेलो को देखती है जिसके ऊपर चॉपर गिरा था, बहुत ही जख्मी था। वो उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन चॉपर बड़ा था तो वो कैसे उठाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे कॉन्ग आता है और उस चॉपर को एक झटके में उठाता है, वो बफेलो चला जाता है। कॉन्ग और मेसन दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे और मेसन बहुत ही डर जाती है, लेकिन उसका जो ये शांत स्वभाव था और आसपास के क्रीचर को मदद करने वाला जो बर्ताव था उससे वो काफी चौकन्ना होती है। यहाँ पे चैपमैन को हम देखते हैं जो बेचारा एक पेड़ पे बैठा हुआ था, लेकिन वो पेड़ पेड़ नहीं होता, क्रीचर निकलता है। वो बंदूक से उसे मार नहीं चाहता है, लेकिन वो पेड़ अचानक से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे स्कल क्रॉलर था, और अचानक से स्कल क्रॉलर चैपमैन को मार डालता है। यहाँ पे सोल्जर की टीम भी आगे बढ़ती है उसी लोकेशन जाने के लिए। अब ऑलमोस्ट अगले दिन दोपहर को इनकी बोट रिपेयर होने लगती है। मॉर्लो, जेम्स, मेसन वहाँ के आदिवासियों को गुड बाय कह के बोट से निकल जाते हैं। ये लोग काफी खुश थे। बोट पे जाने के बाद उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी अप करते हैं और उन्हें कहाँ कब पहुँचना है ये सब कुछ बता देते हैं। सब लोग खुश थे कि फाइनली आइलैंड से भी जाने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ खतरनाक बर्ड्स आते हैं और इनमें से ही एक को उठा के सीधा ले जाते हैं। जेम्स और उसके लोग फायरिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उनका वो आदमी टुकड़ों में बट जाता है। अब सब लोग मायूस हो जाते हैं एंड सेफली बोट के अंदर जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उन्हें पैकर और उसके लोग भी मिलते हैं, लेकिन पैकर अपने साथी चैपमैन को छोड़े बिना इस आइलैंड से जाने वाला नहीं था, और उसे ढूंढने के लिए उसे वेस्ट में जाना था। लेकिन वेस्ट का नाम सुनते ही मैरलो मना करता है क्योंकि वहां पे स्कल क्रॉलर है काफी ज्यादा संख्या में, वो उनका इलाका है। लेकिन पैकर नहीं
नहीं मानता और जबरदस्ती जेम्स जो कि गाइड था उसे वहां चलने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी सब लोग वहां जाने के लिए निकलते हैं। मैरलो उन्हें गाइड करता है कि कैसे जाना है। काफी चलने के बाद ये लोग एक ग्रेव के यहां पे आते हैं जो एंशियंट सालों में जहां पे स्कल क्रॉलर किंग कॉन्ग की लड़ाई हुई थी। अब इनमें से एक सोल्जर सीक्रेट पी के यहां पे फेंक देता है। अब दोस्तों यहां पे हड्डियां पड़ी हुई थी जो डिग्रेड होके फॉसिल फ्यूल बन गया था। जैसे ही सीक्रेट गिरता है बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे स्कल क्रिएचर जो आसपास थे वो जगने लगते हैं और इनके ऊपर हमला करते हैं। मानो यहाँ पे इंसान और दानव की जंग छिड़ गई थी। बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। उनसे सब लोग छुप जाते हैं और तभी उस क्रिएचर के मुंह से एक स्कल आके गिरता है जिसपे आर्मी का टैग, और ये टैग जेम्स देख लेता है और वो समझ जाता है कि चैपमैन अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन चारों तरफ इन पे हमला होता है और ये लोग गन फायरिंग करके कैसे तैसे इनको मारते हैं, लेकिन वो क्रीचर आना बंद नहीं होता और तभी अचानक से इनके गैस का एक्सप्लोजन होता है, पूरे ग्रीन कलर का धुआं होता है और तभी वो पंछी भी इनके ऊपर हमला करते हैं। काफी मुश्किलों के साथ ये लोग उस क्रीचर को मार रहे थे। बर्ड्स को मारने के बाद फिर भी वहां पे स्कॉल क्रॉलर जिंदा थे और तभी फायर गन का इस्तेमाल करके ये सब लोगों ने मार देते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद जेम्स पैगर को बताता है कि चैपमैन अभी जिंदा नहीं है, उस क्रीचर्स ने उसको मार डाला है और उसका लॉकेट उसे दिखाता है। लेकिन अब पैगर पूरा आग बबूला हो जाता है क्योंकि वो उसका खास आदमी था, इसीलिए बस उसे कैसे भी कॉन्ग को मार डालना था। तो मैरलो और बाकी के सारे लोग उसे समझाते हैं कि जो बाकी के क्रीचर है उनका ये काम है। हडसन भी उसे बताता है कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, ये नेचुरल कॉम्पिटिशन चल रहा है, अगर हमने कॉन्ग को गिराया तो बाकी के जो क्रीचर है जो धरती के नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे और बाद में हमें प्रॉब्लम होगा इंसानों को। लेकिन पैकर मानने के लिए तैयार नहीं था, उसका ईगो यही था कि मुझे बस कॉन्ग को मारना है। और दोनों में ग्रुप एक दूसरे को गन पॉइंट पे रखते हैं, लेकिन जेम्स इन दोनों को भी रोकते हैं। पैकर को बताता है कि तुम्हें इस दिशा में जाना है और मैं इन लोगों को लेके बोट के यहाँ पे पहुंच रहा हूँ और हम लोग वहाँ पे तुम्हारा वेट करेंगे। ऐसे करके वापस ये लोग दो ग्रुप में बंट जाते हैं। अब जेम्स का ग्रुप बोट की तरफ जाते हैं। रात में मेसन और वो एक पहाड़ी की चोटी पे चले जाते हैं और तभी अचानक से उन्हें गर्म हवा महसूस होती है क्योंकि उसके सामने ही कॉन्ग खड़ा था। दोनों भी डर के उधर ही खड़े होते हैं और शांति से मेसन अपना हाथ आगे करती है और कॉन्ग को टच करती है। उसका ये शांत स्वभाव उसके लिए काफी अप्रिसिएशन आता है कि कैसे वो इस इकोलॉजी को संभाल के रख रहा है। दूसरी जगह पे पैकर और उसकी टीम नदी के किनारे बॉम्ब लगाती है और देखते ही देखते पूरे जंगल को वो चलाने लगती है। ये देख कॉन्ग काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे इंसानों को मारने के लिए आता है। कॉन्ग इनके कई सारे सोल्जर्स को मार गिराता है लेकिन वो खुद जलने के कारण बेहोश हो जाता है। पैकर ने जो डिटोनेटर लगा के रखे थे जमीन के नीचे वो ब्लास्ट करने के लिए कहता है लेकिन रेक नहीं कर पाता और सही समय पे जेम्स एंड मेसन वहाँ पे आते हैं एंड वो उसे समझाने लगते हैं कि हमारा दुश्मन कॉन्ग नहीं है, उसी के कारण आज हम बचे हैं वरना हम मर जाते। पैकर तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे इंसानों को ही सबसे बड़े टॉप पे रखना था इस इकोसिस्टम में। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इंसानों से भी बड़ी चीज है जो शायद एक दिन इंसानों को मार सकती है और इसीलिए एक सोल्जर होने के नाते उसे कॉन्ग और उसके आसपास के जितने भी क्रीचर है उन सबको मिटाना था। लेकिन काफी समझाने के बाद वो अपने गन्स नीचे रखने ही वाला था और तब भी काफी बड़ा स्कल क्रॉलर वहां पे आता है और इन पे वो हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी कॉन्ग की आंख खुलती है, ये देख के अचानक पैकर वापस एक्सप्लोजन को इग्नाइट करने ही वाला था लेकिन कॉन्ग उसे कुचल देता है और फिर कॉन्ग और उस ट्रॉलर के बीच में घमासान लड़ाई होती है। बाकी के लोग वहाँ से बोट की तरफ निकल जाते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ये लड़ाई सुबह तक चल रही थी और वो यहाँ पे कई सारे सोल्जर्स उस ट्रॉलर को मारने लगते हैं। ये देख वो कॉन्ग को छोड़ के उनके तरफ आने लगा है तो कॉन्ग दूसरी तरफ पानी में गिरने के कारण सलाखों के बीच में फंस जाता है। ये देख के एक सोल्जर एक्सप्लोजिव्स लेके उस क्रीचर की ओर ही बढ़ता है। उसे लगता है वो क्रीचर उसे खाएगा और उसके पेट में बॉम्ब्स को इग्नाइट करेगा, लेकिन वो क्रीचर सीधा ही सोल्जर को फेंक देता है और पहाड़ी की ओर जाके उसका एक्सप्लोजन होता है। अब वो क्रीचर इन इंसानों को मारने वाला था लेकिन तभी कॉन्ग अपने सलाखे खोल के उन सलाखों से उसे पीछे खींचता है। तो दूसरी तरफ मेसन एक बड़े से पहाड़ी पे चढ़ती है और एक गन से जो इनकी टीम खड़ी थी समुंदर में और अपने टीम को इशारा देती है ताकि वो चॉपर्स भेजे, लेकिन इस लड़ाई के कारण वो नीचे नदी में गिर जाती है। यहाँ पे कॉन्ग और क्रीचर के बीच में बहुत ही गंदी फाइट होती है और फाइनली कॉन्ग उस क्रीचर को मार गिराता है और उसके बाद मेसन जो नदी में गिरी थी उसे सेफली लाके वो इंसानों के पास छोड़ जाता है और ये लोग फाइनली वापस यूएस आ जाते हैं। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं मार्लो को जो बेचारा 30 साल के बाद अपनी बीवी से मिलता है
और उनका जो छोटा बच्चा था जो अभी खुद 30 साल का था और पहली बार वो अपने लड़के को देखता है, काफी खुश हो जाते हैं। क्रेडिट सीन में हम देखते हैं ट्रिप के बाद जेम्स और मेसन को ब्रूक और सैनली रोक लेते हैं। दरअसल ये दोनों भी मोनार्क के लिए ही काम कर रहे थे। जेम्स एंड मेसन को मोनार्क में ही हायर किया जाता है और उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये पूरी धरती कैसे इन मॉन्स्टर्स से बिलोंग करती थी और आने वाले दिनों में शायद इंसानों को खतरा है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स वापस धरती पे आ सकते हैं एंड इंसानों को वाइप आउट करेंगे और इसी के लिए ये कंपनी काम कर रही है कि कैसे इन लोगों को कंट्रोल में रखा जाए। इनको गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई की भी केव पेंटिंग दिखाई जाती है और मूवी के आखिरी में हम गॉडजिला और किंग गडोरा के घमासान लड़ाई की आवाज सुनते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट है गॉडजिला जो कि 2019 में रिलीज हुआ था और मैंने वो भी चैनल पे अपलोड किया है, तो उसे भी आप जरूर देखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।